हेलो गाइस, आई एम अवधेश कुमार, आई बिलोंग नवादा इटसेल्फ। और मैं अभी जिस एग्जैक्ट लोकेशन पर हूँ, आप देख सकते हैं ये NH-20 है और ये काफ़ी खूबसूरत बन गया है। देख सकते हैं यहाँ इस रोड पर जो है, पहले आवागमन करने में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बट जो है अब इस रोड में आप आराम से जा सकते हैं। इतना ये बेहतर बन गया, पहले से बेहतर हो गया ये रोड। और मैं इस रोड का आज न्यू अपडेट देने का कोशिश करूंगा, तो यहाँ क्या क्या बना है ये दिखाने का कोशिश करूंगा। तो मैं वीडियो पे आप लोग लगातार बने रहिए। इस रोड को बनाने में काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ जो पहले जो पेड़ था, ये कह सकते हैं ये बीच में लगाया गया था, और बट जो है इस पेड़ को उखाड़ के ये साइड में रोड के किनारे में लगाया गया है। और ये पेड़ पूरी तरह से देखिए बेहतर तरीके से ये फिर से हो गया, पुनः इसका जो है पुनः तैयार हो गया है। तो मैं इस पेड़ को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसको एक जगह दूसरी जगह से ये साइड में इसको ट्रांसप्लांट किया गया है। और ये पेड़ देख सकते हैं, मैंने पर्यावरण का काफ़ी ख्याल रखा गया है यहाँ पे। पर्यावरण को तो हम लोग को बचा कर ही रखना चाहिए। अगर पर्यावरण हमारा अगर बचा हुआ रहेगा तब हम लोग बचे रह सकते हैं। पेड़ पौधे अगर बचे हुए रहेंगे तब हम लोग रह सकते हैं। तो मैं आगे यहाँ का आपको व्यू दिखाने का कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं ये जो है बोर्ड है यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से रांची जो है 217 किलोमीटर है, और ये हाईवे नेशनल हाईवे 20 है। और ये इतना बेहतर बन गया है कि यहाँ आवागमन जो है बहुत बेहतर हो गया है। और जिस भी राज्य में रोड का निर्माण होता है, नेशनल हाईवे का निर्माण होता है, वहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी बेहतर हो जाता है, वहाँ का जितने भी सारे रोज़गार डेवलप हो सकते हैं। और मैं दिखाने का कोशिश करूँगा कि ये बगल में देखिए कुछ तरबूज का दुकान खोल दिए हैं रोड पे, और बहुत सारे जूस का दुकान खुला हुआ, तो अपना अपना रोज़गार आप खोल सकते हैं इस जगह पे। और नेशनल हाईवे होने का देखिए क्या फ़ायदा है, दूर दूर से यहाँ जो है यात्री लोग गाड़ी वाले आते हैं और यहाँ से आप तरबूज उठा के खा ले सकते हैं। तो NH-31 बनने का बहुत सारा फ़ायदा भी है, आप अपना रोज़गार सेल्फ डिपेंडेंट रोज़गार खोल सकते हैं। और देखिए ये फराह है, फराह में देखिए तरबूज का ये लगा हुआ है, दुकान लगा हुआ है। अब छोटा सा दुकान आपका जगह नहीं है, लेकिन आप रोड पर कहीं रोज़गार आप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और अपने घर परिवार का को बेहतर तरीके से खिला सकते हैं। NH-20 बनने का बहुत सारा लाभ है, नेशनल हाईवे बनने का बहुत सारा लाभ है। और मैं अब तरबूज का मज़ा लूँगा। तो भाई साहब हैं मेरे साथ में, तरबूज खिला रहे हैं, और यहाँ का जो तरबूज काफ़ी नामी है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। मैं भी आज मज़ा ले रहा हूँ, एवरी डे लेता हूँ, बट जो है अभी ले रहा हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है तरबूज खाना। काफ़ी टेस्टी है, यहाँ दो तरह का तरबूज मिलता है, एक जो है अभी जो हम खा रहे हैं पूरी तरह से जो है, आदित्य दिखाइए क्या नाम है इसका, खीरन, खीरन इसका नाम है। और जो ब्लैक कह सकते हैं ये ब्लैक रंग का होता है, और एक जो पीला रंग का होता है। तो आप लोग जब भी ज़्यादा खाइए तो जो स्वादिष्ट तरबूज है ब्लैक रंग का, जो जिसका नाम है खीरन है, मैं अभी खा कर आपको बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है। काफ़ी टेस्टी है भाई, काफ़ी मीठा है। अभी शाम का समय हो गया और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट है, येलो कलर का लाइट है, ये ब्लिंक हो रहा है। और यहाँ दोनों तरफ से देख सकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग है, इसलिए इसको ये लाइट को लगाया गया। और ये लाइट जो है मेन खासियत है लाइट का कि ये सौर प्लेट से है, बिना जो है विद्युत जो है सौर विद्युत से ये चल रहा है, सौर प्लेट से चल रहा है। जितना भी लाइट यहाँ लगाया गया सारे में यहाँ सौर प्लेट से कनेक्टेड किया गया है, और काफ़ी खूबसूरत है। आज का ब्लॉग मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप अगला जो नेक्स्ट वीडियो है कौन सा आप देखना चाहते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।